हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ पूजा लिम्बानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कामरेज, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर 18, नो प्लस फॉर अस। नो प्लस फॉर अस इसका मतलब है कि हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसे यहाँ पे हम देखते हैं जत्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डूर विथ हिज डॉटर जैमिली। वो अपनी डॉटर जो पुत्री है उसके साथ, मतलब उसकी जो लड़की है जेमिली, उसके साथ डोर पर बैठे हुए थे। किसकी राह देख कर? दे वेर वेटिंग फॉर संध्या, वो संध्या की राह देखते थे। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट संध्या हैड नॉट कम होम। वो ऑलमोस्ट नाइट बट रात होने को ही है, पर संध्या अभी तक घर पे नहीं आई है। 2 years back, Jatra's family come to Mumbai from Sindri village. ये जो बात है वो 2 साल पुरानी है, जो जब मुंबई से, मतलब सिंदूरी village से मुंबई आ रहे थे। Here they only knew the family of a distant relative. उसके जो दूर के जो relative थे उसकी help से उन्होंने, जत्रा भाई ने काम शुरू कर दिया था। टू रिपेयर टॉन का मतलब है फटा हुआ सिलना, ओके, फटा हुआ फिशिंग नेट्स, जो फटी हुई नेट होते हैं उसे सिलने का काम स्टार्ट कर दिए थे। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट एनफ, पर उसके जो पैसे दे रहे थे वो काफ़ी नहीं थे। दे हैड टू पे फॉर अ मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर अ हाउस and here they even had to buy water. then मतलब कि जो इतने पैसे जो दे रहे थे उतने काफ़ी नहीं थे, क्योंकि उन्हें मेडिसिन, दवाई खरीदना, खाना लाना, स्कूल की फीस पे करना एंड रेंट, घर का रेंट, मतलब रेंट का घर भी भरना पड़ता था। एंड दे इवन हैड टू बाय वाटर, देन पानी भी खरीदना पड़ता था। यंग संध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी फ्रॉम, वो उसकी जो छोटी बेटी है, उसकी जत्रा भाई की जो छोटी बेटी संध्या है, वो नियर बाय फिश फैक्ट्री, वो पास में एक फिश फैक्ट्री थी उसमें काम करती थी। इतनी छोटी थी तभी वो काम करती थी क्योंकि थोड़े पैसे कमा सके। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक वो क्या करते थे, क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग फिश एंड स्मॉल फिश, उससे साफ मछलियों को साफ करते थे और सॉर्टेड करते थे, छोटी या बड़ी वो जो होती है उसे सॉर्टेड करते थे, कि बड़ी अलग रखना और छोटी 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 होती है उसे अलग रखना। दे वुड कम होम, देन बाद में वो घर पे आते थे, टेक अ नैप, बाद में वो घर पे आते थे, देन थोड़ी कुछ मतलब कि एक नींद कर लेते थे एंड गो टू स्कूल इन आफ्टरनून, एंड आफ्टरनून में वो स्कूल जाते थे। इन द इवनिंग में ही वुड वंडर अराउंड, मतलब घूमते थे सब्जी मंडी में, शाक जो वेजिटेबल भेजने के लिए वो घूमते रहते थे मार्केट में। ही वुड हेल्प सम मैम साहब, और वो मतलब बड़े घर के जो लेडी होती है उसकी हेल्प करते थे कैरी हेयर बैग्स, उसकी बैग्स उठाने में, और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर टू सेल द कबाड़ी वाला। और रेलवे स्टेशन पे जाते थे क्या करने, एम्प्टी बॉटल्स को उठाने के लिए, और कोई भी मतलब पस्ती या जो भी होता है न्यूज़पेपर को उठाते थे और बाद में उससे कबाड़ी वाले को देते थे। इससे सम हाउ दे वेयर मैनेजिंग द लाइफ their life in the city. वो इतने सारे काम करते थे क्योंकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाए सिटी में रहने के लिए। देन इट वॉज नाइट, रात हो चुके पर संध्या अभी तक नहीं आई है, होम नॉट कम होम, एंड जैमिली वॉज वॉचिंग डांस ऑन टीवी, और वो डांस का शो देख रही है टीवी में थ्रू द नेकबर विंडो, कहाँ से, पड़ोसी के बारी से। बट जत्रा डू नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, पर जत्रा भाई उसे टीवी देखनी पसंद नहीं। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, वहाँ के लोग सारे अलग अलग थे। दे डू वॉज पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, मतलब वहाँ का जो
पूरा अलग अलग गीत होता था. द डे वॉज पासिंग रनिंग अराउंड फॉर वर्क, और पूरा दिन काम में मतलब काम में भागते रहते थे और पूरा दिन चला जाता था काम में. बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ऑल मेमरीज, देन जब शाम होती है तब वो अपनी मेमरीज को याद करते थे, अपनी यादों को ताज़ा करते थे. रिमेंबरिंग ऑल डेज, मतलब पुराने दिनों को ताज़ा करना, याद करना. छत्रभाई वॉज बोर्न इन खेड़ी विलेज, वो कहाँ पे पैदा हुए थे, खेड़ी में, इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स. वहाँ पे बीच में, मतलब कहाँ पे वो किस किस से बीच में वो पैदा हुए थे कि वहाँ पे घरे जंगल थे, जंगल और हिल्स, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. हिज पीपल हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, पुराने मतलब कितने सालों से वो वहाँ पे रहते थे, जब इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न, जबकि उसके दादा, उसके जो ग्रैंडफादर है वो पैदा हुए थे उससे पहले वो वहाँ पे रहते थे खेड़ी विलेज में. देर वॉज पीस इन जैतरस विलेज, पर वहाँ पे उसे शांति मिलती थी उसके गांव में, नॉट साइलेंस, वो वहाँ पे शांत, पर वो जो हमारा विलेज है वो शांत नहीं था. देर वॉज सो मैनी स्मूथनिंग साउंड, स्मूथनिंग साउंड यानी जो दिल को सुकून मिलता है, ऐसी साउंड मिलती. तो गर्ल ऑफ फ्लोइंग रिवर, जो बहती नदी की जो गर्गल होती है उसका आवाज़, उसकी आवाज़ सुनाई देती थी. द मर्मर ऑफ ट्रीज, मतलब हवा, जब हवा बहती है तब ट्रीज की पत्तों, जो ट्रीज के पत्तों पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, तो कैसी सर सर सी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आती है. और चार्पिंग ऑफ बर्ड्स, और बर्ड की भी आवाज़ आती थी वहाँ पे. पीपल डिड फार्मिंग, और लोग क्या करते थे, खेती करते थे. दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, और वो कहाँ पे जाते थे, जो उसके पास में जो जंगल था वहाँ पे जाते थे, चैटिंग बातें करते थे, गाना गाते थे. जाते वक्त वो बातें करते जाते थे और गाना गाते गाते जाते थे. टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, वो कहाँ पे जंगल में क्या करते थे, फ्रूट्स लेने के लिए जाते थे, रूट्स ओके, कुछ जड़े लेने जाते थे, और डाइड वुड और कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ लेने जाते थे. बाय वर्किंग विथ एल्डर्स, वो बड़े लोगों के साथ जाते थे. चिल्ड्रंस ऑल्सो लर्न इट मैनी थिंग्स, वहाँ के जो जितने भी लोग हैं, छोटे हैं बड़े हो, सारे कुछ नया सीखने को मिलता था. टू डांस टुगेदर, हम वहाँ पे डांस भी करते थे. टू प्ले फ्लूट, हम बीन बजाते थे, ढोल बजाते थे. टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले, और हमें मिट्टी का घड़ा भी बनाते थे, और बाम्बू भी. टू रिकॉग्नाइज बर्ड एंड इमिटेट दैट साउंड, और जो बर्ड थे उसके वो हमारी एक इमिटेट, ओके, वो हमारी इमिटेट मतलब हमारी आवाज़ की नकल करते थे. देन यहाँ पे आगे देखते हैं. देयर साउंड्स एट्सेट्रा, पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज. देन वो वहाँ पे जो जंगल में से कितनी सारी ऐसी चीज़ें वो वहाँ के लोगों जंगल में से ले आते थे. सम ऑफ दिस दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, और कई सारे ऐसे भी चीज़ वहाँ से ले आते थे फॉरेस्ट में से. वो जो रिवर के पास में एक टाउन है, रिवर के पास जो टाउन था वहाँ पे वो सेल करते थे, उसे बेचते थे. विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस और इन सम क्लॉथ्स. जितने भी पैसे मिलते थे वो उसे मतलब सॉल्ट, ऑयल, राइस, सम क्लॉथ्स, वो सारा खरीदते थे. इट वॉज अ विलेज वहाँ पे, बट पीपल, ऐसा हमारा गांव था, बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली. पर वो वहाँ पे बस सब साथ में रहते थे, हमारा गांव था पर वो हम साथ में रहते थे, सब बड़ी फैमिली में रहते थे. जादरा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, और उसके ही गाँव में उसकी जो बहन थी वो वहाँ पे मैरिड थी, मतलब वहाँ पे उन्होंने मैरिड मतलब उन्होंने मैरिज किया था और वहाँ पे ही रहने लगी थी. पीपल हेल्प ईच अदर, और सबकी हम मदद करते थे इन गुड एंड बैड टाइम्स, और हम और सबकी मदद करते थे गुड एंड बैड टाइम्स में. एंड एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स, और जो बड़े लोग थे वो वेडिंग अरेंज करते थे, तब एट सेटल्ड क्वेरल्स, और बड़े लोग क्या करते थे, झगड़े को सेटल करते थे.
देन आगे जैतराज वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. अब जैतरा था वो यंग मैन, मतलब एक बड़ा इंसान बन गया था, मतलब कि वो छोटा नहीं रहा था, बड़ा हो गया था. ही वर्क हार्ड इन द फील्ड्स. वो क्या करता था, खेतर में बहुत काम करता था. एंड कॉट अ फिश फ्रॉम द बिग रिवर. और बिग रिवर्स बड़ी रिवर बड़ी नदियाँ से वो क्या करता था, फिश को ले आता था. ही एंड हीज फ्रेंड वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स रूट्स प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर. वो क्या करते थे, उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब फॉरेस्ट में जाते, जंगल में जाते थे, वहाँ से क्या क्या लाते थे, फ्रूट्स लाते थे, कुछ जड़े लाते थे और कुछ प्लांट में से मेडिसिन ले आते थे. देन फिश मेडिसिन के लिए कुछ प्लांट्स ले आते थे. देन रिवर में से फिश ले आते थे टू सेल दिस इन द टाउन. और वो टाउन में जाते थे और बेचते थे. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, जब फेस्टिवल का टाइम होता है तब जैतरा वुड डांस टू एंड प्ले द ड्रम. देन वो नाचते थे एंड ड्रम को बजाते थे विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, कि उसके एज के बॉयज गर्ल्स के साथ वो डांस और ड्रम्स बजाता था. अक्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस कर दिया, पार कर दिया. वन डे द पीपल ऑफ केडी हियर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर. और खेड़ी में एक बड़ा सा डैम बनना बनने वाला था, वो रिवर के बीचों बीच बनने वाला था. फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर, रिवर के फ्लो को स्टॉप करने के लिए. खेड़ी एंड मैनी नियर बाय विलेज इन द एरिया इन दैट एरिया वुड बी ड्रॉनेड अंडर वाटर, कि खेड़ी और उसके मतलब पास वाले जो भी गांव थे वो सारा मतलब वो पानी के अंडर डूब जाने वाला था. द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर फोर फादर्स हैड लिव फोर कंट्रीज. मतलब वो जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल लोग आए, मतलब पीपल आए और ये बोला कि आपको ये मतलब हमें जैतरा भाई बात करे कि हमें पुराना मतलब ये हमारा जो इलाका है हमें छोड़ के दूसरा इलाके में जाने के लिए बोला जाता है, कि हमें ये कंट्री को छोड़ दे, मतलब हमें ये हमारी कंट्रीज को छोड़ने के लिए बोलते थे, कि हमें ये थोड़ी जगह, हमारे ये जो लैंड और विलेजेस हमें जो छोड़ना पड़ता था और हमें दूसरी जगह जाना पड़ता था. आफ्टर फ्यू डेज, थोड़े दिनों में गवर्नमेंट ऑफिशियल अलोंग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दिस विलेज. एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पुलिस होती है वो ये गांव के लोगों को विजिट करना स्टार्ट कर दिया. स्मॉल चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज से द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जो गांव के जो छोटे बच्चे थे उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा था. सम चिल्ड्रंस वुड रन आफ्टर देम, देन वो उसके पीछे चलते थे. एंड सम वुड गेट स्कैर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग. देन कुछ जो चिल्ड्रंस थे वो डर गए थे और वो उन्होंने मतलब रोना चालू कर दिया था. द ऑफिशियल मेजर द वेट एंड लेंथ ऑफ द रिवर. और वो जो ऑफिशियल थे जो वो लोग मतलब जो गवर्नमेंट के लोग आए थे उन्होंने रिवर की लेंथ और वेटली और फॉरेस्ट एंड हाउसेस और वहाँ पे जो भी जगह थी और जो जंगल था और घर घर घरों थे उसके मतलब उसमें से सबसे मिले और मीटिंग अरेंज की. एल्डर्स ऑफ द विलेज और बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की. दे सेड, वो क्या बोले कि विलेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव. पर ये जो बैंक ओके द बैंक ऑफ द रिवर यानी जो ये है जो ये रिवर है वो इसका किनारा है, मतलब ये जो विलेज है वो किनारा बन जाएगा रिवर का. पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी, जो पीपल मतलब जो भी लोग खेड़ी में रहते हैं विल बी गिवन लैंड फार अवे. आपको यहाँ से दूर उस पार आपको लैंड मिलेगी, आपको जगह मिलेगी रहने के लिए ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. ओके रिवर के उस पार. द
दे विल हैव एवरीथिंग देयर, वहाँ पे सब कुछ होगा, द स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन, सारा वहाँ पे होगा. दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हर हियर इन खेड़ी, जो आपने खेड़ी में सोचा भी नहीं था. उतना सारा वहाँ पे मिलेगा कि वो अलग अलग, मतलब ये सारे ये अच्छी अच्छी बात करके वो सपना दिखा रहे थे. देन जैतराज पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वेर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग दैर विलेज. देन जो बड़े मतलब जो बड़े लोग थे, मतलब पूर्वज जो थे जैतरा भाई के पेरेंट्स थे, वो सारे हैप्पी मतलब खुश नहीं दिखाई दे रहे थे. और उन्होंने गाँव भी नहीं छोड़ना था. लिसनिंग टू ऑल दिस जैतराज वुड गेट अ लिटल स्केर्ड. जैतराज भी थोड़ा दुखी हुआ, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड. वो भी एक्साइट था कि हमें न्यू जगह पे जाने को मिलेगा. वो वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, कि मैं मैरिड के बाद, मतलब मैं अगर मैरिज के बाद भी मैं उसे नई जगह ले जाऊँगा. ही वुड टेक द हिज बॉय टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज, और मैं टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस एंड न्यू विलेज. मतलब मतलब नए घर में और नए गांव में मैं मैरिज करूँगा. अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर. कि वो बोल रहा था, वो ड्रीम मतलब वो सोच रहा था अ हाउस, वहाँ पे जो घर होगा वो कहाँ क्या होगा, कि हम हमें बटन प्रेस करना होगा और लाइट आ जाएगी, एंड टर्न ऑन और टैप को हम चालू करेंगे तो वाटर पानी आ जाएगा. ही कुड गो बाय बस टू द सी द सिटी, और हम अगर बस में बैठेंगे तो हम पूरा सिटी को देख सिटी देखने को मिलेगी. एंड वेन ही वुड हैव चिल्ड्रंस, और वहाँ बच्चे भी, ही कुड सेंड देम टू स्कूल, और हम स्कूल में उसे भेज सकते हैं. दे विल नॉट बी लाइक, मतलब बच्चे स्कूल वहाँ पे जाएंगे, हमारे जैसे नहीं कि हमें स्कूल ही नहीं जाने को मिला था. अ न्यू प्लेस, इट वॉज समर आफ्टरनून, समर चल रही थी, एंड जैतराज वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड माइंड. ये बात की है खेड़ी की, और ये है नई जगह जो उन्होंने मिली थी. एंड वो फेट मतलब बेहोश जैसा हो रहा था, मतलब उसे पूरे मतलब सन का जो हॉट, मतलब उसे गर्मी और जो हॉट मतलब जो गर्म हवा आ रही थी, उसे उसे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा. ही फिट वेयर बर्निंग ऑन द कोल टार ऑन द पुचा रोड, और वो वहाँ पे कोल टार मतलब वहाँ पे जो रोड था उससे वो चल रहा था, उससे पैर जल रहे थे. एंड देर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, और वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था कि थोड़ी देर वो आराम कर सके, जस्ट उसके छाए के नीचे, मतलब उसके ठंडी हवा के नीचे वो आराम कर सके. जस्ट अ फ्यू हाउसेस, वहाँ पे कुछ थोड़े ही घर थे और थोड़ी शॉप थी. एंड जैतराज वॉज ऑन हीज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन, और वो वहाँ से घर जा रहा था दवाई खरीदने के बाद. ही हैड ऑन एन ओल्ड टायर्ड ऑन हिज बैग, और पुराना जो टायर था वो अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था. दिस डे ही हैड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टू लाइट हिज स्टोव विथ दिस विथ डस्ट विथ जस्ट दिस रबर पीसेस ऑफ द ओल्ड टायर. मतलब वो ओल्ड टायर्स के पीसेस को जलाकर वो क्या कर सकते थे, थोड़ी कुछ फायर मतलब कुछ थोड़ी बहुत फायर फूड को बचा सकते थे. देन बट शी स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर ट्रिबल. देन वो उसे जलाते थे टायर को, पर मतलब खराब स्मोक मतलब धुआं और स्मेल आती थी वहाँ इसमें से, टायर में से. इन दिस न्यू सुंदरी सॉरी सिंदूरी विलेज, देन ये सुंदरी विलेज का बताया गया है कि जब वो खेड़ी में से सिंदूरी आए, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे भी हमें
सब में पैसे देने पड़ते हैं, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, फायरवुड एंड फोडर फॉर द एनिमल। और क्या बोल रहे कि हमें यहाँ पे दवाई है खाने में, वेजिटेबल्स में, फायरवुड ओके, जो जलाने के लिए जो लकड़ियाँ होती है वो सारे में हमें पैसे पे करने पड़ते थे। फोडर ऑफ मतलब एनिमल, जो पशुओं का जो चारा होता है उसमें भी हमें पैसे देने पड़ते थे। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्डेड टू बाय केरोसिन, हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम केरोसिन बाय कर सकें। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम सॉरी फॉर ऑल दिस, पर हमें यहाँ पे सब में पैसे देने पड़ते थे। जो भी चीज़ लेनी हो सब में हमें पैसे देने पड़ते। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सोच रहा था पूरा मतलब वो चलते चलते ये सोच रहा था, जद्रस रिच एट होम घर आने तक। द रूफ मैड ऑफ टिन शीट मैड द हाउस इज हॉट लाइक एन ओवन। उसकी जो रूफ उसके जो घर की जो रूफ थी वो टिन शीट की बनी हुई थी, इसलिए उसका पूरा घर गर्म हो चुका था। जैत्रा वाइफ मैन हाई हैड हाई फीवर, और जैत्रा की जो वाइफ है उसे हाई बुखार आ गया था, मतलब ज़्यादा बुखार आ गया था। हिज डॉटर जेमली वॉज रॉकिंग हर लिटल ब्रदर संधिया टू स्लीप इन हर लैप, और जेमली जेमली थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी उसके भाई के साथ, और संधिया उसके मतलब लेप में गोद में सुई हुई थी। आफ्टर ऑल देर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विथ देम, और उसके साथ पुराने लोग भी नहीं थे। जैत्रा पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग कैडी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव हियर। देन जैत्रा है वो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से खेड़ी से यहाँ पे आया तो मैं मर क्यों नहीं गया, कि इससे पहले अगर मैं मर जाता तो इतना कुछ सहन नहीं करना पड़ता, जैत्रा ऐसा सोच रहा था। इन सिंदरी एंड सिंदूरी देर वेर ओनली 8-10 families ही कुड कॉल हिज ओन, दिस फ्रॉम हिज ओल्ड विलेजेस। दे ओल्ड विलेजेस गेट स्कैटर्ड एट पीपल एंड गॉन व्हेनेवर दे हैड बीन गिवन लैंड। और वो ये सोच रहे थे कि सिंदरी में भी हमें रहने के लिए जगह तो मिल गई, पर ये सारी पुरानी चीज़ें ही है। 18 families वहाँ पे आई थी सिंदरी, और वो ये सोच रहे थे कि इससे भी अच्छी जगह हमें नहीं मिलेगी, मतलब कि ये जो जगह है वो पुरा मतलब वो वैसे की वैसी ही है। देन दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज यात्रा हैड ड्रीमेड अबाउट, और जो जात्रा पहले सोच रहा था वैसा नया गांव से नहीं मिल पाया। देर वॉज इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है बट ओनली फॉर समटाइम्स इन अ डे, पर वो दिनों में कई मतलब कभी कभी आती है, कई दिनों में वो एक दिन के लिए आती है। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू द बी पेड, और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड करना पड़ता है। देर वॉज टैप, और वहाँ पे टैप तो थे बट नो वाटर, पर पानी नहीं आ रहा था। इन दिस विलेज वहाँ पे गांव में जात्रा गोस जस्ट वन रूम इन टीन शेड, वन रूम में रहता था वो भी टीन शेड वाला। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, वहाँ पे पशुओं को रखने की भी जगह नहीं थी। ही ऑल्सो गोट अ स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, वहाँ पे थोड़ी भी रहने के लिए जगह भी नहीं थी पशुओं के लिए। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, मतलब वहाँ पे जो भी बाजू में जो थोड़ी सी जगह थी पर वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, वो पूरी स्टोन मतलब पत्थर वाली ज़मीन थी। स्टिल जात्रा हिज फैमिली वर्क वेरी हार्ड, वो यहाँ पे सिंदरी में भी उसे बहुत काम करना पड़ता था। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, पर वहाँ पे उसकी फैमिली का मतलब ग्रो नहीं हो रहा था। एंड कुड नॉट मेक एनवेज मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, वो
सीड्स और फर्टिलाइजर को खरीद सके। इन खेड़ी और खेड़ी में पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफ्टन, और खेड़ी में लोग मतलब लोग बीमार नहीं पड़ते थे। समवन फेल इल देर वेर मैनी पीपल्स वु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विथ मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स। और अगर कोई पीपल भी मतलब अगर कोई लोग मतलब अगर कोई भी बीमार पड़ता था तो वहाँ पे सबको पता था कि कौन से प्लांट में से हमें ये मेडिसिन मिलेगी जिससे हम ठीक हो जाएंगे। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, वो मेडिसिन लेते थे और फटाफट से ठीक हो जाते थे। हियर इन सिंदरी में देर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स। वहाँ पे हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, एंड देर वेर नो मेडिसिन, और वहाँ पे दवाई भी नहीं मिलती है। देर वॉज अ स्कूल हियर, यहाँ पे स्कूल तो है बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रंस फ्रॉम केड़ी विलेज, पर केड़ी विजय उसे चिल्ड्रंस की पड़ी नहीं थी टीचर को कि वो खेड़ी विलेज से आए हैं, उसे मतलब केयर नहीं करते थे। दिस चिल्ड्रंस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, और वहाँ पे चिल्ड्रंस को भी मतलब वहाँ पे चिल्ड्रंस को भी न्यू लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टी होती थी। एंड द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम टू द न्यू कॉर्नर्स फ्रॉम खेड़ी, और वहाँ के जो चिल्ड्रंस थे वो क्या बोलते थे कि ये जो आए वो बिन बुलाए मेहमान हैं, ये जो आए वो बिन बुलाए मेहमान हैं, मतलब वेलकम टू न्यू कॉमर्स फ्रॉम खड़ी की ये जो आए हैं वो बिन बुलाए आए हैं, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था। दे फाउंड देयर लैंग्वेजेस, उसे मतलब वो बोलते थे कि वो दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब दूसरी भाषा बोल रहे हैं। वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज एंड दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम, और वो क्या बोल रहे थे खेड़ी के जो पीपल थे उसे क्या बोलते थे अनवांटेड गेस्टिक कि बिन बुलाए मेहमान, नॉट मच ऑफ वॉन्ट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, पर हमें अगर बोलते थे बिन बुलाए मेहमान तो हमारे मतलब हमारे सपने भी कई अलग ही थे। हम ये ड्रीम नहीं कर मतलब हम ये ड्रीम नहीं कर सकते थे कि हम भी यहाँ पे रह सके। सम ईयर्स लेटर, कई साल बीत गए, जैत्रा स्टे फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदरी, थोड़े साल बिताए सिंदूरी में, एंड द चिल्ड्रंस वो वेर ऑल्सो गेटिंग ऑल्डर, और जो उसके चिल्ड्रंस थे वो भी बड़े हो चुके थे। द जैत्रास हार्ट वॉज नॉट हियर इन द सिंदूरी, उसे मन नहीं लगता था, उसका दिल नहीं बैठता था सिंदूरी में, एंड ही स्टिल मिस हिज ओल्ड खेड़ी, और वो मिस मतलब वो तो पुराना खेड़ी था, वो तो उसे मिस कर रहे थे, और वो तो बोलता था कि वो तो खेड़ी तो अभी रहा ही नहीं है, कि वो जो रिवर का जो पानी था उनमें उसमें ही डूब गया खेड़ी। बट देर वॉज नो खेड़ी नाउ, पर वो तो अभी रहा ही नहीं है। देर वॉज अ बिग डैम, अ बिग लैक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन द अराउंड ऑफ खेड़ी, वहाँ पे बड़ा सा बिग डैम बन गया और वहाँ पे पूरा पानी पानी, हर जगह पानी पानी। जात्रा थॉट इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एटलीस्ट लेट अस गो टू द सेम प्लेस वेर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, कि जात्रा क्या बोल रहा था कि हमें तो यहाँ पे अनवांटेड गेस्ट बिन बुलाए मेहमान कह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हमें मतलब रहना ही नहीं, हम अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम दूसरी जगह पे जा सके। जात्रा सोल्ड हिज लैंड, वो यहाँ की जो पुरानी लैंड थी उन्होंने बेच डाली, और हिज एनिमल्स उसके एनिमल्स को भी बेच डाले कम टू मुंबई जाने के लिए। हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली, और वो क्या करना चाहता था अपने परिवार मतलब अपनी फैमिली से न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता था। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रंस टू स्कूल, वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल में भेज सके टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, और अपना एक अच्छा सा फ्यूचर बनाने के लिए, बेटर लाइफ और अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। हियर टू थिंग्स वेर नॉट ईजी, वहाँ यहाँ पे भी मुंबई में भी इतना आसान नहीं था, बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर, कि यहाँ पे इससे भी अच्छा मिल सके, हमें कोई भी चीज़ अच्छे से मिल सके।
क्योंकि यहाँ पे तो जो उसके जो सगे वाले रिलेटिव होते हैं उस उन उनको ही अच्छा मिल सकता है। जैत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपे हिज ओन वन रूम सेक्स। उसे एक जो रूम मिला था, मतलब उसे रिपेयर करवाना था, तो हिज रिलेटिव वुड टेल हिम, उसे अपने जो रिलेटिव थे वो बोले डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, यहाँ पे मुझे नहीं पैसे खर्च करने हैं, मतलब कि रिपेयर करवाना है ये रूम, मुझे रिपेयर नहीं करवाना है, क्योंकि वो नोज, उसे पता था कि भी मैं हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, क्योंकि यहाँ से भी दूसरी जगह हमें जाना होगा, तो मतलब यहाँ से भी हमें अगर दूसरी जगह हमें जाना पड़ेगा। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइड लाइक अस, कि यहाँ पे भी मुंबई में भी बाहर के लोगों के लिए यहाँ पे रहने के लिए जगह भी नहीं है। जैत्रास वॉज स्कैर्ड, वो दुखी हो गया और चिंतित हो गया। ही थॉट, वो सोच रहा था वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदरी, हमने सिंदूरी के लिए खेड़ी को छोड़ दिया, एंड वी देन लेफ्ट सिंदेरी फॉर मुंबई, मुंबई के लिए सिंदेरी छोड़ दिया। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, हमें अगर ये भी हो सकता है कि हमें कुछ दूसरी जगह जाने के लिए मुंबई को भी छोड़ना पड़े, देन वेर कैन वी गो, हम कहाँ पे, देन हम ये भी सोच रहे कि हमें दूसरी जगह जाने के लिए ये भी छोड़ना पड़े, ओके कि यहाँ पे भी क्या होगा। इन दिस बिग सिटी, ये बहुत बड़ी, मतलब बड़ी सिटी है, शहर है, इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, यहाँ पे इतनी बड़ी सिटी है पर थोड़ी सी भी जगह नहीं, इवन अ स्मॉल प्लेस, थोड़ी भी जगह नहीं है मेरी फैमिली को रहने के लिए, मेरे परिवार के साथ मुझे रहने के लिए यहाँ पे थोड़ी भी जगह नहीं है। चाहे यू कैन